हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिले सबसे पहले। यदि आप 100 से 110 सीसी तक की बाइक चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस विजन के साथ इस बाइक को लिया होगा कि ये अच्छा एवरेज देगी या अच्छा माइलेज देगी। लेकिन यदि आप इनका एक्चुअल एवरेज निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 40, 45 या 50 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा इसका एवरेज नहीं आता। और इसका सिंपल सा जो रीजन है वो है हमारे इंजन की सेटिंग की कमी। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड डिस्कस करने जा रहे हैं उस आइडियल सेटिंग को, जिसे यदि आप 15 दिन में एक बार उसे चेक कर लेंगे तो आई गारंटी यू कि आप अपनी बाइक का एवरेज 5 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर बढ़ा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि कैसे हम अपने इंजन की सेटिंग को इस प्रकार से करें कि हम ज्यादा से ज्यादा एवरेज पा सकें। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इस पैनल को खोल देता हूं ताकि आपको अंदर की विजिबिलिटी साफ हो जाए और आप अच्छे से देख पाएं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अब यदि आप इस इंजन पैनल को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हमारे पास यहां दो स्क्रू हैं, एक ये और एक ये। यदि इस स्क्रू की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं आरपीएम स्क्रू, यानी कि ये जो स्क्रू है ये हमारे इंजन के जो पर मिनट राउंड्स हैं, जो उसकी जितनी तेजी से इंजन घूम रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। जितना हम इसे लूज करते हैं उतनी तेजी से ये इंजन तेज घूमना शुरू करता है, और जितना हम इसे टाइट करते हैं उसके जो राउंड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो स्क्रू है हमारे पास, ये वाला स्क्रू, इस स्क्रू को हम कहते हैं एयर मिक्सचर स्क्रू, यानी कि ये हमारे इंजन के अंदर होने वाले एयर फ्लो, जो बाहर से हवा आ रही है उसको ये कंट्रोल करता है। और बेसिकली इसका काम ये है कि जो पेट्रोल हमारी टंकी से आ रहा है उसके साथ में हवा को मिक्स करके, एयर को मिक्स करके फिर इंजन में डालता है। अब जाहिर सी बात है कि जितना एयर फ्लो, जितना मिक्सचर पेट्रोल के साथ में एयर का होगा उतनी ही हमारी माइलेज बढ़ेगी। यदि एयर फ्लो कम है और पेट्रोल बहुत ज्यादा जा रहा है तो आपकी एवरेज बहुत कम हो जाएगी। अब हम इन दोनों स्क्रू की सेटिंग की सहायता से हम एक ऐसी आइडियल सेटिंग करेंगे, एक ऐसी आदर्श सेटिंग करेंगे जिससे हम एक बहुत अच्छा एवरेज प्राप्त कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमारे जो एयर मिक्सचर स्क्रू है इसे मैं घड़ी की दिशा में घुमाता हूं, और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसे मैं ठीक ठाक सा टाइट कर देता हूं। ये भी मैंने इसे टाइट कर दिया है, मतलब इतना भी टाइट भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइट ये टूटने की स्थिति में आ जाए, बिल्कुल हल्का सा मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब ये यहां पर ये घूम नहीं रहा है। इसके बाद मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने बाइक स्टार्ट की है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना जो स्क्रू टाइट किया है एयर मिक्सचर वाला, और आप पाएंगे कि आपकी बाइक अब बंद होनी शुरू हो गई है, तो बार बार बंद हो रही है। देखिए आपकी बाइक जो है बंद हो चुकी है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस स्क्रू को लूज करेंगे, इतना कि बाइक बंद ना हो। बस एक बार मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए मैं फिर से इसको एक बार, अब मैंने इतना लूज कर दिया है कि मेरी बाइक बंद नहीं हो रही। हमारे एयर मिक्सचर स्क्रू के टाइट होने के बाद में अब हम आते हैं हमारे आरपीएम स्क्रू पे। अब मैं आरपीएम स्क्रू को धीरे धीरे टाइट करता हूं, और जैसे ही मैं टाइट करूंगा आप आएंगे फ्रेंड्स कि इसके आरपीएम की स्पीड बढ़ रही है। अब देखिए आप, इंजन आवाज करना शुरू कर देगा और बाइक के आरपीएम बढ़ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इंजन की आवाज बढ़ रही है। जब एक ठीक ठाक सा आरपीएम मिलने लगे, अब हम जाएंगे अपने एयर मिक्सचर स्क्रू की तरफ और इसे लीक करेंगे। बाइक बंद होने की स्टेज में ना आ, अब लगता है कि हाँ ठीक, इस स्टेज के बाद बाइक बंद हो सकती है। आप इसे यहाँ रेगुलेट करना शुरू कर दें, पर ध्यान रखें फ्रेंड कि आप इतना लूज ना कर दें कि आपकी बाइक बंद हो जाए। अब देखिए, अब वो स्टेज आ गई कि यदि मैं थोड़ा सा और लूज करूंगा
तो मेरी बाइक यहाँ पर बंद हो जाएगी। बस ठीक यही वो पॉइंट है जहाँ हमें इस सेटिंग को लाना है। बेसिकली हमारे पास दोनों स्क्रू एक आइडियल सेटिंग स्टेट में आ गए हैं। यहाँ हमारी बाइक सबसे ज्यादा एवरेज देगी फ्रेंड्स। अक्सर हम ये गलती करते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं करीब 5-6 महीने तक हम इस सेटिंग को देखते भी नहीं है, क्योंकि इसकी सेटिंग की जो रिक्वायरमेंट है हर 15-20 दिन में एक बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, यदि आप इस सेटिंग को आप करते हैं तो आई गारंटी यू कि आपके जो बाइक की जो माइलेज है वो 5 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छा माइलेज पा सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।